तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीवन की उत्पत्ति को लेकर, यानी कि जीवन की उत्पत्ति अगर हुई है तो कैसे हुई है और यह कितनी पुरानी है। यूं तो हम सुनते आए हैं कि जीवन की उत्पत्ति करोड़ों अरबों साल पहले हुई है, लेकिन विख्यात तौर पर कोई भी यह नहीं कह सकता है कि आखिर जीवन का शुरुआती दौर कैसा था, कब इसकी शुरुआत हुई, किसने की और किस प्रकार यह शुरू हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें 2 लाख साल पहले आधुनिक मानव जीवाश्म की डेटिंग का, अर्थ है कि हमारी प्रजातियों के जैविक इतिहास को लगभग 10 लाख साल पहले धकेल दिया जाना, इसका अर्थ यह है कि हमारी प्रजातियां अलगाव में विकसित नहीं हुई और प्रजातियां जो थी वो अन्य समूह के साथ बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में थी, यानी कि बातचीत में शामिल भी थी। कुछ शोधकर्ताओं ने और वैज्ञानिकों ने गए समय पहले, यानी कि कुछ समय पहले, एक जबड़े की खोज की जो कि एक ह्यूमन का जबड़ा है, यानी कि मनुष्य का जबड़ा है, और वैज्ञानिकों के मुकाबले जबड़े की जो हड्डी है उसके जो जीवाश्म है वो तकरीबन 1,70,000 से 2 लाख साल पहले के हैं। और अफ्रीका के बाहर कभी भी होम्योसिपियंस का सबसे पहला ज्ञात यह रिकॉर्ड है, यानी कि इससे पहले कोई भी जीवाश्म इतना पुराना नहीं मिला है, जो यह सुझाव दे रहा है कि पहले के दस्तावेजों की तुलना में अफ्रीका से होमोसिपियंस का पहला प्रवास जो था वो 60,000 साल पहले था। अब यह जो जबड़ा मिला है वो इसराइल की एक गुफा में मिला है, और इसराइल में खोजा जाने वाला यह जवाबी जो जीवाश्म है वो आधुनिक मानव विकास के लिए घड़ी को रीसेट कर सकता है, यानी कि पूरी हिस्ट्री को चेंज कर सकता है, जिससे हमारा जो प्रजाति का इतिहास है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। यह तो हम सभी जानते हैं कि विकास का अग्रसर, यानी कि विकास का जो प्रभाव होता है वह एक दिन में कभी भी नहीं होता है, इसे होने में कई वर्ष या कई ऐसे घटक होते हैं जो प्रमुख होते हैं इनके बदलाव लाने में। एक दिन में कभी भी विकास नहीं होता है और यह सक्षम भी नहीं है। और अगर हम होमो सेपियंस की बात करें तो कहा जाता है कि यह सबसे पुरानी प्रजाति है पृथ्वी पर, और इससे पहले कोई भी प्रजाति नहीं रही है। अब प्रोग साहित्य के हिसाब से बात करें तो जो मिस्लिय गुफा में, यानी कि इसराइल के मिस्लिय गुफा में खुदाई के दौरान 2002 में यह जीवाश्म मिला था, और एक अंतर्राष्ट्रीय बहुआयामी टीम द्वारा शोध के 15 वर्षों के बाद इसके ऊपर जब पूरी की पूरी रिसर्च की गई तो यह कई दांतों से भरा हुआ 2 लाख सालों तक सफलतापूर्वक दिनांकित किया गया, यानी कि इसे तकरीबन बताया जा रहा है कि यह 1,70,000 से 2 लाख साल पुराना जीवाश्म है, यानी कि ये जो दांतों का जबड़ा है यह बहुत पुराना है और यह पूरी हिस्ट्री को बदलने वाला है। इसकी खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज जो है वो TAU के स्टिनहार्ट म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में डैन डेविड सेंटर फॉर ह्यूमन एवोल्यूशन और बायोसाइंटिफिक रिसर्चर के प्रमुख हर्ष कोविटिज ने कहा कि होम्योसिपियंस के विकास की पूरी कहानी को कम से कम 1,00,000 से 2,00,000 वर्षों तक अगर धकेल दिया जाए तो ये उसी टाइम का जबड़ा है और हिस्ट्री को यह बदल के रखेगा। न कि सिर्फ हर्ष कोटिज ने इतना कहा, उन्होंने यह भी कहा कि क्या मिसलिया हमें यह बताता है कि आधुनिक मनुष्य ने अफ्रीका को 1,00,000 साल पहले छोड़ दिया था, लेकिन 2,00,000 साल पहले अगर ऐसा कुछ हुआ या 1,00,000 साल पहले अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मिसलियों की गुफाओं में यह जो चीज़ें मिल रही हैं वो ह्यूमन एवोल्यूशन को पूरा का पूरा चेंज करने वाली हैं या पूरा का पूरा इतिहास बदल जाएगा। इतना ही नहीं, बरकोश यूनिवर्सिटी यानी कि बरकोश विश्वविद्यालय में मानव विकास यानी कि LEH की प्रयोगशाला के निर्देशक जोस मिगुएल कैटरोर कहते हैं कि अगर इस दांत की जो परछाई है यानी कि हिस्ट्री है वो इतनी पुरानी है तो अनूठे निडर्टल भी इसमें शामिल होंगे और होम्योसिपियंस की पुरानी प्रजातियों के बारे में भी जानने को मिलेगा। इथोपिया में पाए गए मानव जीवाश्मों के पिछले अध्ययनों के मुताबिक वैज्ञानिकों ने आधी सदी के लिए आधुनिक दुनिया का विकास तो किया जो कि अफ्रीका में उत्पन्न हुआ था। मानव जाति का झुंड कुछ 1,60,000 से लेकर 2,00,000 साल पहले था। उन्होंने अफ्रीका के बाहर का पहला रिकॉर्ड जो निकाला है अब तक वो तकरीबन 90,000 से 1,20,000 साल पहले का था। और अगर हम इस जीवाश्म की बात करें यानी कि इस जबड़े की बात करें तो यह तकरीबन 2,00,000 साल पहला है, यानी कि 2,00,000 साल पुराना है। अब मिसले गुफा से जबड़े की खोज की अगर हम बात करें तो मानव विकास का इतिहास फिर से लिखा जाना चाहिए, यह कहना है TAU की टीम का और उन वैज्ञानिकों का और शोधकर्ताओं का। तो यार इससे रिलेटेड रिसर्च जो है अभी चल रही है, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए।